हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैक साइड का गला जो है बड़ा हो जाता है तो इसे छोटा कैसे करें, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम गले की कटिंग करते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, हमसे थोड़ा सा गला जो है वो डिप कट जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जब सिलने के बाद जब पहनते हैं सिलने के बाद हम जब गला पहनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये गला जो है ब्लाउज़ पहनने के बाद कि हमारा गला जो है बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हमें जब ऐसा लगता है, नए सिलने वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ा हो गया है या हमारा ब्लाउज़ ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारा गला बड़ा हो जाता है तो इसको छोटा कैसे करें ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जब भी हमारा साड़ी का जो डबल कलर होता है या पल्लू का कलर होता है उस टाइप का आपको कलर का वो कपड़ा लेना है। अभी कलर का कपड़ा लेने के बाद जैसे आपको ये गला जो है वो पहले नापना है, आपको गला कितना है। अभी ये गला हमारा 10.5 इंच है, जैसे हमें 8.5 इंच चाहिए तो 8.5 इंच चाहिए तो आपको यहाँ पे गला चाहिए तो आपको क्या करना है, गला जो है 8.5 इंच तक इस तरीके से आपको इसको लेना है। और यहाँ पे हमारा जो राउंड का गला होता है वो आपको पहले निकालना है। जैसे कैनवास पेपर आपको इस तरह से नीचे के साइड में आपको कैनवास पेपर रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कैनवास पेपर जो होता है हमें कैनवास पेपर को इस तरह से डबल करना है और डबल करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा गला कितना चाहिए आपको वो पहले नापना है। अभी यहाँ पे आपको इस तरह से ये राउंड शेप देना है, इस तरह से आपको ये राउंड शेप, इतना हमारा गला है। अभी यहाँ पे हमें जैसे यहाँ तक हमें गला चाहिए तो यहाँ आपको नापना है गला कितना चाहिए। 8.5 इंच गला चाहिए तो हम 8.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक राउंड शेप देना है। आप राउंड शेप दे सकते हैं या इस तरह से राउंड। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से ये राउंड शेप दिया है, आप चाहे तो इसको बीच में भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक हमारा गला आता है, ये देखिए यहाँ तक हमारा गला आता है और इसे हमें इस तरह से ये गले का हमारा राउंड शेप आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपका यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है, ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसको बीच में से कट करना है। अभी हमारा गला जो है बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे हम अलग कलर का कपड़ा निकाल के ये इसको ये पैच जो है वो तैयार करना है। अभी ये पैच तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा साड़ी एक कलर की होगी तो आप गोल्डन कलर का जो पैच होता है वो लगाएंगे तब भी चल जाता है। अब इसे आपको इस तरह से ले रखना है, ये देखिए जैसे हमें पैच तैयार करने के बाद इसे आपको, सिला हुआ ब्लाउज है, सिले हुए ब्लाउज के ऊपर ही आपको इस तरह से ये जो मार्किंग है मार्किंग के ऊपर आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पे आपका ये गला जो है इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको चाहे तो यहाँ एक ही कलर का कपड़ा आप लगाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन आप दूसरे कलर का कपड़ा लगाएंगे या आप साड़ी में हमारे डबल कलर होते हैं वो लगाएंगे, नहीं तो साड़ी एक कलर की होगी तो आप गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पैच जो है वो पहले आपको तैयार करना है। पैच तैयार करने के बाद आपको ये गला जो है वो राउंड शेप में, जैसे आपको राउंड शेप में गला चाहिए लेकिन आपसे गला जो है बड़ा हो गया, लेकिन इसको कैसे ठीक करें, किसी किसी को ऐसा लगता है कि हमारा गला जो है वो अभी ख़राब हो गया है, अभी इसे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम गला बड़ा हो गया होगा तो आप छोटा भी कर सकते हैं, कभी कभी किसी इस साइड में ब्रॉड भी हो जाता है तभी इस तरह से आपको ये जो पैच जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन बनानी है। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है गला बड़ा हो जाता है तो इसको किस तरीके से ठीक करना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।